जियो सिम का कॉल बैलेंस को किस तरह से हम अदर कोई सिम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे ही एक ट्रिक। पर शुरू करने से पहले आपने अगर अभी भी मेरा अल्ट्राटेक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और उसके बगल में जो बेल का आइकॉन आएगा आप इसे भी क्लिक कर दो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको साथ नोटिफिकेशन चला जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को शुरू करने से पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, और वो एप्लीकेशन है फ़ोन डायलर। आपको ये इंस्टॉल करना होगा क्योंकि आपकी जो असली वाली फ़ोन डायलर एप्लीकेशन है ना, उसमें ये ट्रिक काम नहीं करता। तो मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो मैं अब जस्ट इसे ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद आप मैं जो कोड टाइप करूँगा आप वही कोड टाइप कर लीजिए। तो ये जो मैं अमाउंट टाइप सेंड करूँगा ना, ये 25 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि एक दिन में यह 25 रुपये ट्रांसफ़र करती है, और ये सिर्फ एयरटेल सिम पे ही वर्क कर रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी एयरटेल सिम है, इसलिए मैं इस ट्रिक को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आपकी जो एयरटेल नंबर है आप उसे टाइप कर दीजिए। अगर आपकी बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं भी हुआ तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये बैलेंस ट्रांसफ़र होने में कभी कभी बहुत टाइम समय लेती है। पर उसके बाद आप कॉल कर दीजिए, और कॉल करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि कनेक्शन लॉस इनवैलिड MMI कोड, तो देखते हैं। तो ये देखिए SM यही दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो गई। तो अब मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कि ये ट्रांसफ़र सच में होती है, क्योंकि मेरी अलग से फ़ोन में ये सिम है, इसलिए वहाँ से मैं स्क्रीन शॉट लेके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी जो 25 रुपये ना, वो अभी ट्रांसफ़र हो चुका है जियो की तरफ से। तो ये जो पैसे है, ये ट्रांसफ़र होने में काफ़ी वक्त लगा, पर मैं इस वीडियो को थोड़ा स्किप करके दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही, और हैव ए गुड ईयर।